आइए महाराज, ये जेल है, यहीं पे आप रहेंगे, खाना और पानी आपको बराबर यहीं मिलता रहेगा। महाराज के हाथों की हथकड़ी खोल दे, जान प्यारी है तो हम खोल देंगे, वरना काट कर फेंक दूंगा। महाराज जितनी जल्दी हो इस जेल से निकल चलो, वरना कल तुम्हारी फांसी है। महाराज बिहारी लाल, ओ बिहारी लाल, बिहारी लाल बोलो। शब किए कराए पर पानी फिर गया यार। मतलब समझे नहीं। डाकू मस्ताना ने ऐन वक्त पर आकर पूरी बाजी ही पलट दी। अरे मैंने ऐलान करवाया था, ऐलान तो हुआ था कि कन्हैया और राधा की शादी होने वाली है, और शादी की आयन वक्त पर डाकू मस्ताना वहां पहुंचेगा तो, और भरे मंडप में दूल्हे को यानी कन्हैया को गोली मार देगा। हाँ, मार दिया होगा उसने। कन्हैया इस दुनिया से मिट जाएगा तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, हाँ, कन्हैया तो मार दिया होगा। कन्हैया के मरने के बाद राधा की शादी हमारे आपके साथ हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार क्या करूं, पूरा का पूरा खेल सब बिगड़ गया। समझ में नहीं आता कि अब राधा से हमारी शादी कैसे होगी। अरे बिहारी लाल, खड़े रहना। शादी शादी कमीने, राधा की शादी रचा रहा है महाराज। डाकू मस्ताना, और ये बताइए हुजूर, तुम्हारे इस बेटे के सिवा तुम्हारे पास कोई संतान और थी, या तुम्हारा यही एक बेटा पैदा हुआ? नहीं मस्तान, इस बेटे के अलावा भी हमें एक संतान थी, हमारी बेटी राजकुमारी चंद्रावती। राजकुमारी चंद्रावती कहाँ है? राजकुमारी चंद्रावती, जब मैंने यहाँ पे महामंत्री से एक बात का ऐलान किया था, उसने कहा था कि ये बात किसी और को ना मालूम हो, और उसी दिन से हमारी बेटी चंद्रावती। समझ रहे हैं। ओए, इधर आ गया। क्यों, जो कह रहे हैं हकीकत है? तेरे पास बहन थी? हाँ ये सच बात है। तुम्हारी बहन कहाँ गई? बहन कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। कितने दिन से हो गए? अरे लमसम वर्षों बीत गए। काफी दिन बीत गए। हाँ कोई पता नहीं उसका कहाँ चली गई, किधर है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, और आज तक उसकी खोज भी नहीं किया? क्यों नहीं, ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिली नहीं। ढूंढने की कोशिश किया लेकिन वो मिली नहीं। हरामजादे, तेरी बहन बरसों पहले यहां से गई है, सीधे नहीं, उसकी इज्जत दरिंदों ने लूटा है। हाँ, और तेरी बहन का इंतकाल कल हुआ। अपनी बहन की लाश देखना चाहता है जिस वक्त उस शेरनी की लाश देखेगा, तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कुंवर। इसी वक्त मैं तेरी बहन की लाश दिखाता हूं। महाराज बेटे जाओ, महाराज की बेटी की लाश ले आओ, यानी अपनी मां की लाश। मेरी बहन की लाश, तेरी बहन का अंत कल हुआ? कत्ल कल हुआ है,
बेचारी मरी कल है। ये देख, ये वही शेरनी है महाराज, देख लीजिए। महाराज, माँ के पेट से जन्म लेते ही ना कोई डाकू होता है, ना खूंखार ना खूनी कातिल, इसी देश के दरिंदे उसे खूनी कातिल डाकू चोर बदमाश सब बना देते हैं। क्यों? जैसा कि आज बेटी के साथ हादसा हुआ, इस हादसे में सारा हाथ तुम्हारे महामंत्री और तुम्हारे बेटे का है। क्यों? है ना? हाँ मस्तानस, इसी वक्त सच कहते हो, उस कमीने को ले। आज जो कुछ भी हुआ मेरी ही वजह से हुआ। जी पिताजी, मैं इसी वक्त महामंत्री बलबीर सिंह के बंगले पर जाता हूँ और उस कमबख्त को भी मैं घसीटते हुए आज कुंवर सिंह के समक्ष पेश करूंगा, और कुंवर सिंह अपनी बहन के बारे में उस कमबख्त बलबीर सिंह से बातें करेगा, क्योंकि आज अपनी बहन की हालत को देखकर कुंवर की ये हालत हो गई कि एक शेरनी की ये हालत हुई, और इसी वक्त में उस कमबख्त बलबीर सिंह को घसीटते हुए भरे दरबार लाकर पेश करता हूं। ले आओ बलबीर सिंह, घसीट कर ले आओ। घबराओ नहीं कुंवर, आ रहा है तुम्हारा साथी बलबीर, जिसके कहने से तुम मप्पू के रास्ते को अपनाते हो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बता, रात के 12 बजे कमरे में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई वहां नहीं था, हमारे और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई, हम दोनों ने मिलकर क्या वादा किया? बोल आपने आप। हाँ बात हुई। क्या बात हुई? क्या बात हुई? चंद्रावती का खून करने गए। खून किया तूने मेरी बहन का? हम खून करने जा रहे थे। तो फिर आगे क्या हुआ? पता, लेकिन क्या बताएं हम? उसी बीच सेनापति रणधीर सिंह आ गए। इसका मकसद रामचंद्र पहचान बलबीर, मैं वही सेनापति रणधीर हूं जो मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक परिवार को नहीं कमीने, दो दो परिवारों को तूने उजाड़ा है। रामचंद्र, तेरी वजह से हमने अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर दिया, तेरी वजह से आज मेरा बेटा गायब था, मेरे बेटे को बियाबा जंगल में फेंकवा दिया कि शेर बाघ खा जाए, जिंदा ना रहे। लेकिन याद रख बलबीर, कहते हैं होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, चाको रखे साइया मार सके ना कोई, वही मेरा बेटा ये खड़ा है देख। कमबख्त बलबीर सिंह, तूने आगे अपनी बात नहीं बताई, चल सामने आ और बता। ये क्या बताएगा बेटे, अब मैं बताता हूं। चंद्रावती मौत से पहले मुझसे सब कुछ बता दिया है कि दादाजी उस बियाबा जंगल में नकाबपोश अपने चेहरे को ढककर उस बेचारी की इज्जत को लूटा था और उसे दुनिया से मारने की कोशिश किया था। उस
सिंह, मैंने तुझे सिर्फ अपनी बहन का खून करने के लिए कहा था, मेरी बहन की आबरू से खेलने के लिए नहीं। आराम जाते, आज तक मैं तेरे बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहा था। हराम जादे, तेरी बातों में आकर, तेरे बताए हुए रास्ते पे चलकर आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया बलबीर सिंह। मेरी बहन, तेरे कहने पर मैंने अपने बाप को बाप न समझा। दुश्मन की तरह हाथों में हाथ कड़ी लगाकर अपने पिताजी को मैंने जिंदाल में डाल दिया, और तेरे ही कहने से मैंने अपनी बहन को उस बियाबान जंगल में छोड़ा था तेरे वादे के मुताबिक। हरामजादे, लेकिन तूने मेरी बहन को मारने के बजाय मेरी बहन की असमत के साथ खेला। कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, तू मेरे बलबीर, कोई नहीं आएगा। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हरामजादे, सबको नहीं, सिर्फ तेरी मौत होगी आज यहाँ। हाँ बलबीर, तेरी मौत होगी। कमीने, आज मैं अपने इन हाथों से क्या अनर्थ कर बैठा। अरे कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसे असलूक नहीं कर सकता, और कोई भी बेटा अपने पिता के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। सिर्फ तेरे कहने से मैंने किया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बलबीर सिंह। इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, नंबर 2, और ये रहा नंबर। बलबीर सिंह मर गया, मैंने अपने हाथों से इस दुनिया से मिटा दिया। खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अंजाम ठीक नहीं होगा। पिताजी, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मैं माफी मांगने के काबिल हूं नहीं, क्योंकि आज मैं अपनी नजरों में इतना गिर गया कि मैं माफी मांगने के काबिल नहीं हूं, और मेरी ये गलती क्षमा करने की भी काबिल नहीं है। पिताजी, इस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं 76 वालों को एक नसीहत देना चाहता हूं कि कभी भी किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने में मत आना, वरना उसकी भी वही हालत होगी जो आज मेरी है। वो भी वही मोड़ पर जाकर खड़ा हो जाएगा जहां पर मैं खड़ा हूं। पिताजी, माफ करना मुझे, मैं इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे इस छतरपुर के लोग देखेंगे तो मुझे गालियों के सिवा और कुछ नहीं देंगे, थूकेंगे मेरे ऊपर। इसलिए मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। हुजूर, आज कुंवर भी आपके सामने सर उठाने लायक न रहा, अपने आप खुद गोली मारकर दुनिया से चला गया। रामबली, जाओ इन दोनों की लाश सम्मान के साथ सही चमन ले चलो। सर, इसने ऐसा काम किया था
कि ये लोगों के सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गया। बाप को बाप नहीं समझा, ठीक है बेटी, बहन को बहन नहीं समझा, और ये बलबीर सिंह हमेशा मैं इसके साथ रहता था, ये कहता था कि मैं दिमाग से काम करता हूं, मेरी बुद्धि तेज है, मैं ताकत से नहीं बुद्धि से काम करता हूं। जब रणस्थल में राजकुमारी जी को देखा, उस योद्धा बादल सिंह से जंग करते हुए, हाँ बेटी, तभी इसका दिल बहक गया राजकुमारी के ऊपर। इसने मुझसे कहा था कि अब देखिए मैं ऐसी चाल चलता हूं, गया कुंवर सिंह को बहका दिया, वादा था कद्र करने का, कद्र करने का बहाना थे तो साला उसकी इज्जत लूट लिया, और आप जब पहुंचे तो साला भगा आपके घर पहुंचा, आपके बेटे को उठवा लिया, आपकी पत्नी को बहका दिया, आप गुस्से में आकर अपनी पत्नी को गोली मार दी, आपके बेटे को फेंकवा दिया, ये साला अच्छा हुआ इसको मरवा दिया, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं बेटे, अब सब कुछ होते ही इन दोनों की लाश सम्मान के साथ साथ ले चलो, एक कथुम ले चलो एक कहम ले जाओ बेटे, ले चलो आओ रामबली इस मौके पर सहारा दो। हाँ एक जने को उठा ले जाइए, जो बेटे वो मंत्री बलबीर की बेटी राधा कहाँ? जी पिताजी, जाओ ले आओ, मैं उसे इसी वक्त आपके समक्ष लाकर हाजिर ले आओ। महाराज आज तुम दोनों की खुशियां खुद अपने हाथ संभालेंगे, ले आओ। हुजूर ये राधा उसी मंत्री बलबीर सिंह की बेटी है हुजूर, और राधा कन्हैया में बहुत बड़ा प्रेम है, जब आप खुद हैं राजन तो अपने हाथों से इन दोनों की खुशियां सजा दें। ठीक है सेनापति जी, इन बच्चों की खुशियां सजाना अच्छी बात है। क्यों नहीं हुजूर, आओ आओ बेटी। सेनापति जी, भगवान ने हमें एक बेटी दिया था, एक बेटा दिया था, जो अभी संसार में नहीं है, हमारा कोई संसार में नहीं, इसलिए आपके बेटे कन्हैया को मैं इस छत्तरपुर का वाइस बनाता हूं, और आज से यहाँ का राज्य कारभार कन्हैया के ऊपर। धन है महाराज, धन है हुजूर। महाराज आपने मेरे बेटे को इस छत्तरपुर का सम्राट बना दिया है, और मैं भी बूढ़ा हो चला हूं महाराज, और आप भी अब चलिए इन बच्चों को राज्य संभालने दीजिए, और बची हुई जिंदगी हम और तुम किसी धर्म स्थल पर चलकर ईश्वर के नाम कर दें। चलिए सेनापति, राधा। हाँ कन्हैया, आज महाराज ने अपना यह छत्तरपुर का राज्य मुझे देकर किसी धर्मस्थल पर जाकर प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, बची हुई जिंदगी प्रभु के सहारे बिताएंगे, और इस राज्य में हमें राज सिंहासन पर बैठकर इस राज्य को अच्छे ढंग से चलाना है, प्रजा में असंतोष नहीं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हों, लोग हम लोगों के नाम के गुणगान करेंगे। कन्हैया बिल्कुल सही कहते हो, मुझे मान खुशी है कि आज ये सारी खुशियां हम लोगों को इस राज छत्तरपुर में मिल चुकी है। राधा और कन्हैया की जोड़ी सलामत रहेगी, राधा और कन्हैया साथ मिलकर इस राज्य पर राज्य करेंगे। हाँ कन्हैया, इन्हीं प्रसंगों सहित ये खेल इसी जगह समाप्त हो रहा है, ये आप लोगों
के समक्ष जो संगीत पेश की गई, ये संगीत आप लोगों के बीच जो पेश की गई संगीत के रचयिता माननीय श्री राजेंद्र बहादुर सिंह ग्रामपुर झाम सिंह का पुरवा निकट जगतपुर के निवासी हैं, सिंह थिएटर संगीत पार्टी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश की गई संगीत और जेडी म्यूजिक कंपनी नरेला दिल्ली के माध्यम से आप लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, आप लोगों के समक्ष ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। इन्हीं प्रसंगों सहित हम इसी जगह आप लोगों से लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय माता दी।